आपको जिस पर्सन का या फिर जिस व्यक्ति का बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार था, फाइनली अंदर से आने वाला है। तो एक शॉप दिखाने जा रहा हूँ, हमारे यहाँ लगभग ऐसा या तो सुपरमार्केट होता है या तो फिर अच्छा अच्छा दुकान। पर ये देख रहे हो ना, आपको देख के अंदाजा, देख के मतलब देख के क्या लग रहा है, कोई जज करो, मतलब वीडियो कंप्लीट होने से पहले ही जज करो। चलो मैं बता दे रहा हूँ, ये कोई सुपरमार्केट नहीं बल्कि चिकन शॉप है। सजन रे पास तो आना। अभी हमारा घूमना हो चुका, आज का हो चुका, इसके बाद ये बिल्कुल खत्म नहीं होने वाला है। रोज यही मेरा सुबह होगा, यहीं पे शाम होगा, मैं कुछ भी करूँगा यहाँ। उसके अलावा मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी वीडियोस, क्योंकि आप सब जिस भरोसे के साथ, जिस प्यार के साथ आपके सिनुवाई को सब्सक्राइब किए हो, हमारी यूट्यूब की फैमिली बने हो, तो बस उस प्यार में मुझे खरा उतरना है। और मैं तभी खरा उतर पाऊँगा जब आपको बेहतर से बेहतर डेली के डेली वीडियोस अपलोड करूँ, आपको कंटेंट दूँ, बस आपका प्यार चाहिए। और यदि यहाँ आते हो तो कम से कम कोशिश करना कि अकेले ना घूमो, क्योंकि यहाँ जितने अच्छे सीन हैं ना, उससे बुरे बुरे इंसिडेंट्स भी हो जाते हैं। और खुदा ना करे मेरे साथ या किसी और के साथ ऐसा हो, मैं ऐसा कभी नहीं चाहता। कहीं घूमो तो पहले सावधानी बरतो, टूरिस्ट फैसिलिटीज पता नहीं है, तो टूरिस्ट स्पॉट है यहाँ, हर जगह सार्वजनिक उपयोगिताएं और परिवर्तन कक्ष, ये गवर्नमेंट ऑफिस है कोई ना कोई, जो टूरिस्ट के लिए अवेलेबल है। मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, पर यहाँ आधा से अधिक बिल्डिंग्स, आधा से अधिक दुकानें, आधा से अधिक हर चीज़ यहाँ केवल टूरिस्ट के अवेलेबल रहती है। और गोवा दुनिया भर में जाना जाता है टूरिस्ट के लिए, क्योंकि यार अपने हम एक जन्नत है, तो इस जन्नत के जरूर लुत्फ़ उठाओ। पर हाँ, सावधानी पहले बरतो, क्योंकि जहाँ नेचर है, जहाँ खूबसूरती है, वहाँ दुर्घटनाएँ भी अक्सर होती रहती हैं। तो ऑलमोस्ट लगभग पूरा बीच घूम लिया, पर मुझे ये भी नहीं पता कि इस बीच का नाम क्या है, तो चलो किसी से कंफर्म करते हैं कि इस बीच का नाम क्या है। हाय सर, गुड इवनिंग। इस बीच का नाम क्या है, मुझे जानना है बीच का नाम। मेनाउलिम। तो थैंक यू। चलो, मुझे पता नहीं था कि बीच के बारे में जानना था, इसका नाम जानना था, तो इसका नाम बेनाउलिम। चलिए, थैंक यू सर। तो चलो, हो गया यहाँ का विजिट। और नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन, अगले वीडियो पे आपको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। हाँ, वीडियो शूट यूट्यूब के लिए। नहीं ठीक है, आप दोनों आ रहे हैं। चलिए, नहीं 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 नहीं, आप यार आइए ना, अंकल लोग से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। अंकल आप लोग ये ड्यूटी देते हैं, ड्यूटी देते हैं ना। चलिए ठीक है, तो अंकल सभी गाड़ियाँ वगैरह चलाते हैं टूरिस्ट के लिए, है ना। तो जब आप आओ तो इस जगह जरूर, यदि आप घूम सको तो कार वार लेना हो तो जरूर ले लेना। और अंकल सभी बहुत बहुत अच्छे हैं यार, मैं तो नया हूँ और शुरू से डरता हूँ किसी से बात करने के लिए, पर अंकल सबसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है, सब बहुत खुले दिल वाले हैं। और चलिए, थैंक यू आपको भी। YouTube में आके एक चीज़ तो सीखा कि जब लोगों के पास खुले दिल से जाओ ना, तो सामने वाले भी आपको रिस्पांस अच्छे से देता है, बहुत प्यार से देता है। और ये सभी गाड़ियाँ वगैरह हैं, आप यदि इसमें घूम सकते हो, इसको हायर कर सकते हो या फिर रेंट में लेना चाहो, तो अमीरों के लिए, मतलब मेरे लिए नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। वाह, हम भी किसी दिन साइकिलिंग करेंगे, न्यू हेलमेट लगा के मस्त एकदम राइडर वाली फील आएगी। तो आप सबको जिस चीज़ का, जिस टॉपिक का या फिर जिस पर्सन का बोल लो, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास है और आपके लिए भी खास होगा, आपको जिस पर्सन का या फिर जिस व्यक्ति का बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार था, फाइनली अंदर से आने वाला है। थोड़ा सा हाइप बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जल्दी बहुत जल्दी मिलवाने जा रहा हूँ आपको। हाय। ये रही हमारी आत्मा, चल हाय बोल दे। चल, हमारी यूट्यूब फैमिली 4000 हो गई, देखा, 4000 प्लस, बस 4000। देखो यार, आप सब हमें डिसपॉइंट कर रहे हो। तो चल, आजकल 4000 में किसका भला होता है भाई, थोड़ा ज्यादा करो ना, उसके बाद थोड़ा सुनने में भी मजा आता है। तो चलो, एक्सपेक्टेशन तो है, पर सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। और चल आत्मा भाई, हमारी यूट्यूब फैमिली के कुछ बोल दे यार। I love you. मुझे छोड़ के जाना, ओ मेरे तू आशिक रहना, आशिक रहना, ओ सजन रे पास तो आना। ज्यादा हम कुछ नहीं बोलते। अरे कुछ तो बोल दे, चल। मुझे शर्म आ रही है, मुझे शर्म आ रही है, इसलिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ। शादी की उम्र हो गई लग रहा है। चल तो फाइनली थोड़ा सा बात बात करें, बड़े लोग हैं साहब। तू मेरा रोज,
फाइनली गोवा में हूँ और यहाँ अभी समय शाम के 7 बज चुके हैं, फिर भी यहाँ उजाला ही है, मतलब अंधेरा अब तक हुआ नहीं है। और हमारे घर में लगभग 6:30 बजे तक और 7 बजे से पहले पहले अंधेरा हो चुका होता है। तो गोवा और हमारे घर में बहुत डिफरेंसेस हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर का डिफरेंट है यार, किलोमीटर डिस्टेंस में, तो इतना तो फ़र्क होना तय है। ये गोवा का शान है और यहाँ की ऑलमोस्ट अपने आप में अलग ही लेवल की, क्या बोलते, एक्साइटेड रहता है मन, क्योंकि यार गोवा बोलने से एक जन्नत है और इस जन्नत में हम दोनों दोस्त मिल गए हैं और इस जन्नत का नाम है, अच्छा इस जन्नत का नाम भी होता है, दिखा रहा हूँ आपको, ये है फेयरफील्ड बाय मैरियट गोवा बेनोलियम रेस्टोरेंट, नहीं रिजोर्ट एंड स्पा, थोड़ा मेरा इंग्लिश खतरनाक है, मेंटेन सॉरी एडजस्ट कर लेना। सेकेंड ऑफ गोवा टूर और आज का एक्सप्लेनेशन ये है कि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, मतलब मैन पार्ट जिसको छत्तीसगढ़ शिमला कहा जाता है, तो वहाँ से यहाँ आने में करीबन मैंने 2800 किलोमीटर मतलब ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर ट्रैवल किया ट्रेन से किया, और आप बस से भी आ सकते हो यदि आपको पूरा सिटी देखते हुए आना है तो, पर कोई नहीं, मुझे ट्रेन पसंद है और मैं पहुँच चुका हूँ। यहाँ मेरा दोस्त पहले से रहता है तो उसके यहाँ रुका हूँ अभी, तो अभी हम लोग जा रहे हैं जहाँ जिस 5-स्टार होटल में वो काम करता है, तो पहले उससे मिल लूंगा, उसके बाद हम लोग थोड़ा घूमने जाएंगे। तो गोवा में मैं थोड़ा रात को घूम रहा हूँ और यहाँ जहाँ देखो हर घर में बाहर रहता है, ये रहा गोवा का कुछ सीन, आप देख सकते हो पूरा खचा खच, मतलब रात के 12 बज जाए 1 बज जाए गोवा गोवा है यार। ये सबसे पहले वाइन्स के लिए फेमस रहता है, यहाँ टूरिस्ट आते हैं, मतलब अमेरिकन आते हैं, विदेश से आते हैं, हर कोई अलग अलग देश से आता है और यहाँ रात तक घूमते रहते हैं, क्योंकि गोवा बीच के लिए जाना जाता है, टूरिस्ट के लिए जाना जाता है। तो बस जगह देखो यार, आपको मज़ा आ जाएगा। तो आत्मा के साथ हम लोग थोड़ा घूमने जा रहे हैं और इधर कभी भी बारिश आ जाता है, मतलब कोई फिक्स नहीं इधर कब बारिश होगा कब नहीं होगा, तो बस इसीलिए चाहता हूँ तो पकड़ लिया है, तो थोड़ा घूम लेते हैं और आत्मा मेरे को गोवा विजिट करा रहे हैं, तो चलो जहाँ कहीं लेके जाते चलते हैं उधर। ब्रेड खाने का मन कर रहा है, जिसको बर्गर कह सकते हैं, बड़ा पाव वगैरह वगैरह। तो यहाँ दिन से ज़्यादा कहीं रात को दुकानें चलती है और आप देख ही सकते हो फ्रेम में क्या क्या दिख रहा है, इसके अनुसार यह मेन्यू मिल जाता है और देखते हैं मेरी काम की चीज़ जो मुझे चाहिए मिलती है कि नहीं मिलती है। तो एक रेस्टोरेंट आ चुकी है, रेस्टोरेंट कह सकते चलती फिरती रेस्टोरेंट तो हाय भैया, तो भैया दो भैया एक अंदर है एक बाहर है, तो दोनों शायद इसके ओनर होंगे, ये रहा इनकी इनका मेन्यू। तो मुझे बर्गर खाना था, इस लिस्ट में बर्गर तो नहीं दिख रहे, पर भैया से बात करके अच्छा लगा। आप एग्जैक्ट गोवा से हैं भैया? नहीं, केरला। तो आप यहाँ कैसे कैसे सर्व करते हैं, मतलब ये सब वेराइटी सब प्राइस वराइज दे दिए हैं? साउथ इंडियन ना, मतलब साउथ इंडियन फूड यहाँ ज़्यादा रहता है। तो थैंक यू, आपसे बात करके अच्छा लगा, और यदि मैं जब तक गोवा हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम जरूर मिल जाऊँगा, है ना। और आज तो कुछ नहीं लेके जा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम से जरूर यहाँ बैठ के खाएंगे आपके हाथों से, है ना। तो थैंक यू भैया को, सब बहुत अच्छे हैं यार, जब सामने से बात करो तो सामने वाले रिस्पॉन्स करें ना, तो यहाँ सुकून मिलता है। थैंक यू सो मच भैया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुझे बर्गर खाने का मन था और फाइनल मिल चुका है इस जगह पे, रेस्टोरेंट का नाम ये रहा शायद, और ये रहा उसका पॉम्पलेट, अच्छे से दिख नहीं रहा। यहाँ की कुछ वेराइटीज़ हैं, क्या है, चोको ट्रफल 100, चोको फज 100, और क्या है ब्लैक फॉरेस्ट केक 100, वगैरह 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 वगैरह। तो यहाँ के कुछ स्टाफ और भैया इसके ओनर हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है। चलो यहाँ मैं अपना ले लेता हूँ जो भी मेरा ऑर्डर है। तो मेरा बर्गर रेडी है, पैक करा चुका हूँ, अभी आत्मा को आने देता हूँ, उसके बाद मैं रूम में जाके साथ में दोनों शेयर कर लेंगे। Da da da, how could you leave? Then I did a kid to die.